अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। टोरंटो जीटीए के लिए गरज चमक की तूफान की वार्निंग ख़त्म हो गई। जनूबी ओंटारियो के कुछ इलाकों में बारिश की वार्निंग बरकरार। जनूबी ओंटारियो में तूफान से 9,000 अफराद बिजली से महरूम हो गए। रूस के खिलाफ कनाडा की नई पाबंदियां। ताज़ा पाबंदियों के शिकार अफराद पर यूक्रेन के शहर बूचा में कत्ल व गारत का इल्ज़ाम है। कनेडियन और जर्मन वजीर खारजा की रूसी टर्बाइन की मरम्मत पर एक बार फिर वजाहत। अस्पतालों में अमले की कमी से निमटने के लिए वफाकी हुकूमत हमारी मदद करे। ओंटारियो के प्रीमियर डग फॉर का कहना है कि वफाकी हुकूमत मुनसिफाना किरदार अदा करे। सूबे के मुतअद्दिद अस्पताल अमले की कमी की वजह से अपने ऑपरेशंस तब्दील कर रहे हैं। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान एक बार फिर कशीदगी बढ़ने लगी। आज़रबाईजान का मुतनाज़ इलाके में ऑपरेशन। नगोर्नो काराबाख की कई स्ट्रेटेजिक चोटियों पर कब्जे का दावा। नैन्सी पेलोसी के दौरे से कशीदगी बढ़ गई। चीनी फौजी मशकें शुरू। ताइवान का मुहासरा। जुमरात से शुरू होने वाली मशकें इतवार की दोपहर तक जारी रहेंगी। चीन ने फजाई कंपनियों को ताइवान के खतरनाक जोन से दूर रहने की हिदायत कर दी। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. Greenish hand sanitizer, na oily, na sticky, na badboo aur mukammal absorption. Aur haath narm, mulayim aur saaf. Aaj hi apni kareebi pharmacy se khareedein ya hamari website par order karein. www.greenish.com. Headlines aapne jaani aur ab khabrein tafseel ke saath. जुमरात के रोज़ टोरंटो में मूसलाधार बारिश का इम्कान है जबकि आने वाले दिनों में शहर में शदीद गर्मी का इम्कान है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो और जीटीए के लिए गरज चमक के तूफान की वार्निंग ख़त्म हो गई है। तहम जुनूबी ओंटारियो के कुछ इलाकों में बारिश की वार्निंग बरकरार है। इस दौरान जुमेरात के रोज़ शहर में मूसलाधार बारिश का इम्कान है जबकि आने वाले दिनों में शहर में शदीद गर्मी का इम्कान है। इन्वायरमेंट कनाडा ने एक ऐसे सिस्टम की वजह से ख़तरनाक तूफान से खबरदार किया था जो जनूब मगरबी ओंटारियो में आगे बढ़ रहा था और तेज़ हवाएं और तेज़ बारिशें होने का इम्कान था। बारी, कोलिंगवुड, ऑरेलिया, मिडलैंड, ग्रेब्रोस, हॉर्न फ्रिथ, लंदन, मिडलसेक्स, वाटर, लो वेलिंगटन के लिए बारिश की वार्निंग अब भी नाफिज़-ए-अमल है और इन इलाकों में आधी रात तक 50 मिलीमीटर तक गिरने का इम्कान है। सूबाई पुलिस का कहना है कि उन्हें फ्रिक्स के इलाके में तूफान से होने वाले नुकसान की कॉलें मौसूल हुई हैं जिनमें दरख्तों के गिरने की इत्तला मौसूल हुई है। तहम इसमें कोई तशवीशनाक बात नहीं है। ग्रैंड रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी का कहना है कि बुध के रोज़ इस इलाके में आने वाले मौसमी निज़ाम ने एलोरा गुरुज कंजर्वेशन एरिया में दरख्तों को नुमाया नुकसान पहुंचाया। हाइड्रो वन ने कहा कि तेज़ हवाओं और गरज चमक के नतीजे में 9,000 सार्फीन बिजली से महरूम है। रूस के खिलाफ कनाडा की ताज़ा तरीन पाबंदियों का हदफ उन फौजी यूनिटों के अरकान हैं जिन पर गुज़िश्ता मौसम बहार में कीव के बाहर शहरियों के कत्लेआम का इल्ज़ाम है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। रूस के खिलाफ कनाडा की ताज़ा तरीन पाबंदियों का हदफ उन फौजी यूनिट्स के अरकान है जिन पर गुज़िश्ता मौसम बहार में कीव के बाहर शहरियों के कत्लेआम का इल्ज़ाम है। नई पाबंदियों में रूस के 43 अफराद और 17 इदारों को शामिल किया गया। कैनेडियन वजीर खारजा जूली और उनकी जर्मन हम मनसब रूसी पाबंदियों के तहत टर्बाइन वापस करने के फैसले का दिफा कर रही हैं। कनाडा की खारजा उमूर की वजीर मेलानी जूली ने बुध के रोज़ मॉन्ट्रियल में जर्मन वजीर खारजा एनालिना बेरिक से मुलाकात की जिसमें यूक्रेन पर रूस के हमले और तवानाई और खुराक की कीमतों पर जंग के मज़म्मरात पर तबादला ख्याल किया। जुलाई में कनाडा ने कहा कि वो एक कैनेडियन कंपनी को रूसी पाबंदियों पर इस्तस्ना देगा और मॉन्ट्रियल में देखभाल के तहत 6 टर्बाइनों की जर्मनी को बरामद की इजाज़त देगा जो कि
नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन का हिस्सा है जो रूस से जर्मनी तक जाती है, लेकिन इसके बाद से रूस ने तकनीकी मसाइल का हवाला देते हुए जर्मनी को नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन के जरिए कुदरती गैस की सप्लाई कम कर दी है, जिसके बारे में जर्मनी का कहना है कि यह सियासी ताकत के खेल का बहाना है। जूली ने कहा कि अब ये वाजे हो गया है कि पुतिन तवानाई के बहाव को यूरोपीय ममालिक में हथियार बना रहे हैं, दुनिया उनके खेल को देखती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जूली ने इस बात की भी तर्दीद की कि उनके या उनके अमले के पास कीव में कनाडा के सिफारत खाने में यूक्रेनी अमले के अरकान को बराह रास्त खतरे के बारे में कोई मखसूस मालूमात थी। उनका कहना था कि हमने वो सब कुछ किया है जिसकी जरूरत थी, जैसा कि ऐसे हालात में अपने मुकामी तौर पर मसरूफ अमले की हिफाजत के लिए। जूली ने मजीद कहा कि हमले के दिन वह यूक्रेन में हमारे आला तरीन कैनेडियन सिफारतकार लॉरेसा गाजरा सफीर के साथ फोन पर थी, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हमले के साथ अच्छा बर्ताव किया गया है। कैनेडियन सूबे ओंटेरियो के प्रीमियर डग फोर्ट का कहना है कि विफाकी हुकूमत को सूबे के अस्पताल के अमले के बहरान को हल करने में मदद के लिए कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कैनेडियन सूबे ओंटेरियो के प्रीमियर डग फोर्ट का कहना है कि विफाकी हुकूमत को सूबे के अस्पताल के अमले के बहरान को हल करने में मदद करने के लिए कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। प्रीमियर डग फोर्ट एक बार फिर विफाकी हुकूमत से अस्पताल के अमले के बढ़ते हुए बहरान के तनाजर में माली मदद के लिए मुतालबा कर रहे हैं, जिसने हालिया हफ्तों में ओंटेरियो के कुछ अस्पतालों को अपने दरवाजे बंद करते हुए देखा गया था। उनका कहना था कि विफाकी हुकूमत हमें 22% दे रही है, जो ना काफ़ी है। हम 78% अदा कर रहे हैं और ये मुल्क भर में है और नाकाबिले कबूल है। हम विफाकी हुकूमत से ये कहते रहेंगे कि वो आगे बढ़ें और अपना मुनसिफाना किरदार अदा करें। ऐसा करने के लिए इससे ज्यादा अहम वक्त कभी नहीं आया। फोर्ट के तबसरे तवील वीकेंड के दौरान सूबे भर में अस्पताल के मुतादिद एमरजेंसी रूम और इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट्स की बंदिश की पैरवी करते हैं, जिसमें तकरीबन 25 अस्पतालों को अपने ऑपरेशन में तब्दीलियाँ करने पर मजबूर किया गया। फोर्ट ने हमले के बहरान से निमटने के लिए कोई नया हल फराहम नहीं किया। उन्होंने मजीद कहा कि फौज को मदद के लिए बुलाने जैसे इकदामात अभी जेरे गौर नहीं है, जैसा सूबे की जानिब से कोविड-19 वबाई मर्ज के आगाज में किया गया था। आर्मेनिया और आजरबैजान के दरमियान ताज़ा झड़पों में 3 फौजी हलाक हो गए, जबकि आजरबैजान ने मुतनाज़े इलाके नगोर्नो काराबाह की कई स्ट्रेटेजिक चोटियों पर कब्जे का दावा किया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आजरबैजान ने मुतनाज़ा इलाके नगोर्नो काराबाह की कई स्ट्रेटेजिक चोटियों पर कब्जे का ऐलान किया है। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक बुध के रोज आर्मेनिया और आजरबैजान के दरमियान ताज़ा झड़पों में 3 फौजी हलाक हो गए, जबकि आजरबैजान ने मुतनाज़ा इलाके नगोर्नो काराबाह की कई स्ट्रेटेजिक चोटियों पर कब्जे का दावा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बुध के रोज दोनों मुल्कों के दरमियान नई कशीदगी उस वक्त शुरू हुई जब आजरबैजान ने कहा कि उसका 1 फौजी हलाक किया गया है, जबकि काराबाह फौज ने कहा कि उसके 2 फौजी मारे गए और 1 दर्जन से ज्यादा जख्मी हुए। ताहम बाद अजा आजरबैजान की फौज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक ऑपरेशन किया और काराबाग में कई स्ट्रेटेजिक चोटियों पर कंट्रोल हासिल कर लिया। दोनों मुल्कों की जानिब से जारी कशीदगी के दौरान रूस ने आजरबैजान पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया, जबकि यूरोपीय यूनियन ने दुश्मनी के फौरी खात्मे पर जोर दिया। वाज़ेह है कि नगोर्नो काराबाह का इलाका बाज़ाब्ता तौर पर जम्हूरिया आजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन आर्मेनिया भी उस इलाके पर दावा करता है और 90 की दहाई से इस पर काबिज है। आर्मेनिया का मौकफ है कि नगोर्नो काराबाह आर्मेनियाई नस्ल का बाशिंदों का मस्कन और सर्दियों से आर्मेनिया का हिस्सा है, लेकिन आलमी सतह पर इसे कभी भी आर्मेनिया का हिस्सा नहीं माना गया। 30 बरसों से जारी इस तनाज़े पर दोनों मुल्कों के दरमियान कई खूनरेज तसादुम हो चुके और सैकड़ों अफराद हलाक हुए, जबकि आर्मेनियाई कब्जे के बाद नगोर्नो काराबाग से लाखों आजरी शहरी नकल मकानी करने पर मजबूर हुए। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने ताइवान के जजीरे के इर्द गिर्द पानियों और फजाई हदूद में लाइव फायर समेत फौजी मशकें शुरू कर दी हैं। चीन ने खबरदार किया है कि दुनिया भर की एयरलाइंस ताइवान के अतराफ खतरनाक जोन से दूर रहें। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने ताइवान के जजीरे के इर्द गिर्द पानियों और फिजाई हदूद में लाइव फायर समेत फौजी मशकें शुरू कर दी हैं। चीन ने खबरदार किया है कि दुनिया भर की एयरलाइंस ताइवान के अतराफ खतरनाक जोन से दूर रहें। चीनी वजीर खारजा ने अमरीकी ऐवान नुमाइंदेगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे ताइवान को मसका खेज, गैर जिम्मेदाराना और इंतहाई गैर माकूल करार दे दिया। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक बड़े पैमाने पर शुरू होने वाली अस्करी सरगर्मियों में लाइव फायर
اور دیگر فوجی مشقیں شامل ہوں گی جس کا آغاز مقامی وقت کے مطابق جمعرات کی دوپہر کو ہوا اور یہ مشقیں آئندہ اتوار کی دوپہر تک جاری رہیں گی۔ میڈیا ذرائع کے مطابق بعض مقامات پر چینی فوجی مشقیں تائیوان کے ساحلی علاقے سے صرف چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہوں گی۔ چین کی جانب سے غیر معمولی فوجی مشقیں امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پلوسی کے دورہ تائیوان کے بعد شروع ہوئی ہیں۔ اس متنازع دورے پر چین کی جانب سے شدید مذمت کی گئی ہے، جبکہ چین نے امریکی سفیر کو طلب کر کے اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرایا تھا۔ چین نے نینسی پلوسی کے دورے سے قبل متنبہ کیا تھا کہ اگر امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پلوسی نے تائیوان کا دورہ کیا تو فوج کو متحرک کر دے گا۔ ترجمان چینی دفتر خارجہ کے مطابق نینسی پلوسی کا دورہ تائیوان چین کی خود مختاری اور آزادی کو چیلنج کرنا ہے، ایسی صورت میں چین کی طرف سے سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری جانب تائیوان نے چینی فوجی مشقوں کی مذمت کرتے ہوئے اسے اقوام متحدہ کے قوانین کے خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ تائیوان نے خبردار کیا کہ یہ چین کی جانب سے بڑے پیمانے پر شروع ہونے والی عسکری سرگرمی علاقائی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ ترجمان وزارت دفاع نے پریس کانفرنس میں اسے بین الاقوامی نظام کو چیلنج کرنے کے مترادف قرار دیا ہے۔ پاکستان اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی۔